विधानसभा हरदी में आप देख सकते हैं यहाँ छठी मैया का जो प्रतिमा स्थापित किया गया है वो वास्तव में मनमोहक दृश्य आपको दिख रहा है। यहाँ माताएं बहन देख रहे हैं, आप दर्शन कर रही हैं छठी मैया का। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि कैमरामैन यहाँ दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए छठी मैया का ये प्रतिमा यहाँ पे लगाया गया है और माताएं बहने जो है सूर्य उपासना का या जो महाव्रत है छठ पर, इस अवसर पर ये ग्राम सभा हरदी में आप देख सकते हैं कि ये माँ छठी मैया है और ये हरदी के युवा कलाकारों द्वारा, बाल कलाकारों द्वारा ये प्रतिमा स्थापित किया गया है। भव्य प्रतिमा जो है मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा हरदी में देखने को मिल रहा है। MNT न्यूज़ की टीम आपको लाइव दिखा रही है। यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे पंडाल सजे हुए हैं। कैमरामैन से चाहूँगा मैं दिखाएंगे, एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे जी। ये जो है छठ घाट, देखिए ये हरदी का छठ घाट है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अपने पूरी टीम के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह घाट का व्यवस्था किया गया है और ये पंडाल जो सजाए गए हैं बखूबी, तंबू लगाकर, टेंट लगाकर यहाँ पे पंडाल सजाए हैं। माताएं बहने यहाँ पे देखिए अपने अपने पूजा व्रत सामान के साथ अर्घ देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। छठ का जो महापर्व है, ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की सुखी के लिए यह व्रत रखा जाता है। और ये जो व्रत है ये बिहार प्रांत से आज पूरे विश्वव्यापी ये त्यौहार हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी माताएं बहने यहाँ पे उपस्थित हैं, छठ जो महापर्व के रूप में जाना जाता है, आज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं MNT न्यूज़ पर, क्योंकि मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा हरदी का ये जो छठ घाट का नज़ारा है, मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा कि आगे भी आप देख सकते हैं कहाँ तक ये पंडाल लगे हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ से वहाँ तक का जो पंडाल है, भव्य पंडाल दिख रहा है यहाँ पे छठ मैया के। आप देख सकते हैं वीडियोस में कि ये जो नज़ारा है मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा हरदी के छठ घाट का नज़ारा है, जहाँ पे भारी संख्या में छठ व्रती माताएं बहने श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ये छठ घाट हरदी का नज़ारा यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये छठ व्रती माताएं बहने अपने छठ सामान के साथ, जूम करके दिखाइए कैमरामैन, उनके सामानों को, छठ व्रती सामान यहाँ पे देखिए किस तरह महिलाएं माताएं बहने अपने सामान के साथ यहाँ पे भगवान सूर्य का अर्घ देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, ये पूरा लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। MNT न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है आपको पूरा लाइव दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, कैमरा मैन यहाँ से वहाँ तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये ग्राम सभा हरदी का ये छठ घाट का पंडाल है। हर साल इसी तरह का भव्य पंडाल यहाँ पे दिखता है। यहाँ के ग्रामवासियों के सहयोग से, यहाँ के युवाओं के सहयोग से आप ये छठ घाट का इस तरह का मनमोहक दृश्य यहाँ पे देख रहे हैं। इस समय हम मिठौरा ब्लॉक की ग्राम सभा जमुई पंडित के घाट पर मौजूद हैं, जहाँ पे माताएं बहने सूर्योदय का अर्घ देने के लिए यहाँ पे घाट पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि माताएं बहने किस तरह अपने छठ व्रती सामान के साथ यहाँ पे सूर्य भगवान का अर्घ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। छठ का जो ये महापर्व है आज ये पूरा विश्वव्यापी हो चुका है। मैं MNT न्यूज़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा जमुई पंडित का ये छठ घाट का नज़ारा आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ एक्सक्लूसिव। यहाँ पे देख सकते हैं आप माताएं बहने किस तरह अपने छठ व्रती सामान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि रवि देव अभी भी निकले नहीं हैं और माताएं बहने अर्घ देने के लिए, यानी उगते हुए सूर्य का अर्घ देने के लिए यहाँ पे सुबह में 4 बजे से ही घाट पर मौजूद है। कमर भर पानी में रहकर पुत्र के दीर्घायु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला ये जो व्रत है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो छठ घाट का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं, भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है। इसे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप
निजलौल ब्लॉक के ग्राम सभा भेड़िया का देख रहे हैं। जो छठ घाट का नज़ारा आपको दिख रहा है वो ग्राम सभा भेड़िया का है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने लगातार कवरेज के लिए वहाँ पे बने रहे। वहाँ पे उगते हुए सूर्य को माताओं बहनों की जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। इस महापर्व पर ग्राम सभा भेड़िया में भी छठ महापर्व पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं माता बहनों की जो भीड़ थी वो छठ घाट पर लगी रही। बता दें कि ये त्यौहार जो है बिहार प्रांत से चलकर आज उत्तर प्रदेश एवं भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े धूमधाम से ही मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि MNT न्यूज आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है जो आप सिर्फ और सिर्फ MNT न्यूज पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यह पर्व जो है डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए माताओं बहनों की लंबी कतारें व जल में रहकर कमर भर जल में रहकर ये अर्घ दिया जा रहा है। इससे यह विदित होता है कि पुत्र प्राप्ति एवं पुत्र के सुखी जीवन के लिए संतान के सुखी जीवन के लिए व्रत कितना महत्व रखता है, जो व्रत आज विश्वव्यापी हो चुका है। आगे हम आपको ले चलते हैं जमुई पंडित लाइव, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उगते हुए सूर्य यानी जो सूर्योदय है वो हो चुका है और माताएं बहनें जो है अर्घ दे रही हैं। MNT न्यूज़ के लिए बने रहिए क्योंकि खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है।